एक बात मुझे समझ नहीं आ रही पापा, मुझसे आप बहुत ज्यादा गुस्सा है फिर भी मुझे बेटा बेटा कहकर बुला रहे हैं, फिर आपने अपने बाप का प्यार कभी क्यों नहीं समझा? उनकी जिंदगी उनकी कुर्बानी आपके लिए कुछ भी नहीं है? बस आँख खुलते ही पैसे कमाने की होड़ में इस तरह जुट जाते हो कि भूल जाते हो कि तुम सब इंसान हो, कोई मशीन नहीं। माँ बाप के फर्ज के सामने नौकरी को अपना फर्ज समझा, इसीलिए चाहते थे कि बाप जल्द से जल्द मर जाए ताकि वापस काम पर लग सके। ऐसी सोच के साथ जियोगे, इसलिए मार दिया सबको। चलो ठीक, वो बहुत ही महान आदमी थे, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा उनकी बगल में बैठे रहे और अपना करियर बर्बाद करके बेघर हो जाएं। अंकल, एक नौकरी जाएगी दूसरी मिलेगी, एक प्रोजेक्ट जाएगा दूसरा मिल जाएगा, हर चीज का कोई ना कोई अल्टरनेटिव है। लेकिन अगर बाप मर जाए तो उसका अल्टरनेटिव ना है, ना था, ना होगा। आप सब अपने जॉब अपने करियर को एकदम दिल से लगा के रखते हैं, किसने दिया ये सब? वो बुनियाद किसने डाली जिस पे खड़े हैं आप? कभी दिमाग में भी आया? जिस बाप ने तुम्हें काबिल बनाया, कुर्बानियां देके तुम्हारी जिंदगी संवारी, उस बाप के साथ क्या किया तुमने? सोचो। तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हें छोटे बच्चे की तरह रखते हैं। वो आ गए, चलो भागो। ऑफर लेटर सॉफ्टवेयर जॉब का, बेटा मैंने बड़ी मुश्किल से ब्रह्माजी ब्रदर्स कंपनी से निकलवाया है, अब तुम अमेरिका? मैंने कहा था ना मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अरे बस तू ऐसे ही मुझसे प्यार करते रहना, हम बदल थोड़ी जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि तू हमेशा उस अंकल के अंडर काम करे। आपके बगैर मैं चल भी नहीं सकता तो दौड़ कैसे लूं अगर कहीं मैं गिर गया तो? अरे तेरा बाप है ना तुझे संभालने के लिए। हाँ बाबा, मैंने बड़ी मुश्किल से ये फार्म उन्हें बेचा और अब ये कह रहे हैं कि तूने पैसे लौटा कर कहा कि हम इसे नहीं बेचना चाहते हैं। मुझे पता है आप ये फार्म क्यों बेच रहे हो, मुझे ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना। अरे बेटा, तू तो हमेशा मेरे दिल में ही रहेगा, जब भी तुझे याद करूंगा तू आ जाएगा। मान ले कभी कोई ऐसा वक्त आया और मैं तुझे फोन करूंगा तो तू भागते हुए नहीं आएगा क्या? जरा देख उन्हें, क्या तू जिंदगी भर ऐसे ट्यूशन पढ़ाता रहेगा और ये लोग हमेशा ऐसे ही रहेंगे? जा बेटा, खूब आगे बढ़, ये अच्छा रिश्ता है बेटी। कितना भी अच्छा रिश्ता मिले पर मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती, बिल्कुल नहीं पापा। मरने से पहले माँ ने मुझे कहा था कि मैं आपका हर तरह से ख्याल रखूं। तुम्हारी माँ ने भी मुझसे यही बात कही थी कि मैं तुम्हारा हाथ एक अच्छे आदमी के हाथ में दूं, इसीलिए तो इसे लाया। देखो बेटा, ये अच्छा आदमी है, अगर मैं अपनी बेटी से मिलना चाहूंगा ये मिलने से रोकेगा थोड़ी। अगर ये मुझे नहीं भेजेंगे तो मैं अपने आप ही आ जाऊंगी। आओ बेटा। ससुर जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डर कैसा, तुमसे इसकी शादी इसीलिए करवाई है क्योंकि तुम बोल सकती हो। सुनिए जीजा जी, आपने अपने सारे बच्चे दूर भेज दिए, अब इन्हें भी भेज रहे हैं, इन्हें तो साथ में रख सकते हैं ना? अरे अपने साथ के लिए मैं इनकी ग्रोथ को थोड़ी रोक सकता हूँ, सिर्फ हाथ का अंगूठा और उंगलियां मजबूत होना काफी नहीं होता, सबसे छोटी उंगली का भी बहुत महत्व है, इसे रास्ता दिखाना भी मेरी जिम्मेदारी है। जाओ बेटा। जिस बाप पे तुम सब जान छिड़कते थे उसी पे शादी के बाद, बच्चों के बाद, गांव छोड़ने के बाद एक बार मुड़कर देखना भी तुम लोगों ने जरूरी नहीं समझा? प्यार बांटने और बढ़ाने के लिए होता है, कम करने के लिए नहीं। पिता होने के नाते उन्होंने आप सबको अपना बेस्ट दिया और आप सब भी अपने बच्चों को बेस्ट ही देना चाहते हैं, बट उनके नाते पोतियों के सामने आप सब किस तरह के बेटे बेटियां बने कुछ पता भी है? हमने आपसे सीखा है कि माँ बाप की इज्जत अगर होती है तो करो, नहीं तो जाने दो, क्या होगा, अकेलेपन से सिर्फ मर ही जाएंगे ना। तब शायद आप समझेंगे कि बच्चे जब कहते हैं कि वो आ रहे हैं और नहीं आते हैं तो कैसा लगता है, आखिरी वक्त में अपने साथ ना दे तो कितनी तकलीफ होती है। हम भी सोचेंगे कौन मरते बूढ़े पे टाइम वेस्ट करे, इससे अच्छा ऑनलाइन पिक्चर देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे दोस्तों के साथ। और यहाँ आपका दिल बैठ रहा होगा, सांसें उखड़ रही होंगी, गम के मारे घुट घुट के दम तोड़ रहे होंगे, तब आपको अपने किए हुए कर्मों के पाप नजर आएंगे और हमें कोसने का आपको हक भी नहीं मिलेगा क्योंकि आप खुद वैसे। एक बात याद रखना, हर एक इंसान को इस दौर से गुजरना ही पड़ेगा क्योंकि आज जो बेटा है कल को बाप और दादा जरूर बनेगा, क्योंकि यही कुदरत का नियम है और इससे कोई बच नहीं सकता। सदियों से लोगों को कहते सुना है कि 60 के बाद जो बूढ़े होते हैं वो बच्चों की तरह बर्ताव करने लगते हैं, अगर ये बात सच है तो आप सब इसे मानते क्यों नहीं है? जिस तरह आप अपने बच्चों को संभालते हैं अगर उसी तरह अपने माँ बाप को संभालने लगेंगे तो वो कभी बोझ नहीं लगेंगे। सच तो यह है कि आपने अपने बाप को नहीं बल्कि बेटे को खोया है।